दोस्तों हम आपके लिए चांद तारे तो नहीं ला सकते हैं, लेकिन चांद तारों वाला एक स्मार्टफोन लेकर आए हैं जिसका नाम है टेक्नो स्पार्क 10 प्रो मून एडिशन। जैसा नाम से मालूम है ये चंद्रयान 3 से इंस्पायर्ड है फोन, तो फोन की डिजाइन कैसी है, इसके अलावा इसमें क्या स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं, ये हम जानेंगे आज के अनबॉक्सिंग वीडियो में। मैं हूं सौरभ वर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनवीटी टेक। ये है मून एडिशन का बॉक्स, जैसा आप देख सकते हैं ब्लू कलर ऑप्शन में आता है। जैसा आप देख पाएंगे इसमें 16GB की रैम और 128GB का स्टोरेज वेरिएंट दिया गया। इसके अलावा ये एक मेड इन इंडिया स्मार्टफोन है, साथ ही फोन में अब 32MP का अल्ट्रा क्लियर सेल्फी कैमरा दिया गया। इसके अलावा मीडियाटेक G48 गेमिंग प्रोसेसर दिया गया है। इसके अलावा इसमें 90Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, साथ ही 50MP का अल्ट्रा क्लियर कैमरा दिया गया है। ये कुछ डिटेल है, आप सीधा बॉक्स को ओपन करते हैं, देखते हैं इसकी डिज़ाइन कैसी है। तो ये बॉक्स ओपन हो चुका है, बॉक्स के साथ में आपको कुछ यूज़र मैनुअल मिल जाते हैं। तो ये फ़ोन आता है 12 मंथ की वारंटी के साथ में, फिलहाल इसे किनारे रखते हैं। इसके साथ बॉक्स में मिल जाता है कवर, कवर की क्वालिटी अच्छी है, ट्रांसपेरेंट लुक में आता है, इसे भी किनारे रखते हैं। साथ ही एक अडाप्टर मिल जाता है, इसके अलावा मिल जाता है टाइप सी चार्जिंग केबल, इसकी लेंथ छोटी है। इसके अलावा बॉक्स में एक बहुत ज़रूरी चीज़ मिल जाती है, छोटी लेकिन बहुत ज़रूरी, सिम ट्रे इजेक्टर टूल। तो ये सारी डिटेल है जो बॉक्स के साथ में आती है। बॉक्स को किनारे रखते हैं और देखते हैं कि हमारा फ़ोन कैसा है। सीधा फ़ोन पर आते हैं तो जैसा आप देख सकते हैं फ़ोन डुअल टोन कलर में आता है, ऊपर की तरफ वाइट और नीचे की तरफ ब्लैक कलर ऑप्शन में आता है। स्क्वायर शेप कैमरा कटआउट दिया गया है, दो कैमरे दिए गए हैं, इसके अलावा फ्लैश लाइट दिया गया है। तो ये कुछ ऐसी इसकी डिटेल है। किनारे से फ़ोन बिल्कुल फ्लैट है, फ्रंट से भी फ्लैट है। जो इसके एजेज हैं वो राउंड शेप में आते हैं। नीचे की तरफ आपको टाइप सी केबल का पोर्ट मिल जाएगा, इसके अलावा स्पीकर ग्रिल का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसा आप जानते हैं बजट स्मार्टफोन है, ऐसे में कंपनी ने इसमें 3.5mm का ऑडियो जैक भी दिया है। राइट हैंड की तरफ आपको पावर बटन का ऑप्शन मिल जाएगा, उसके ऊपर ही वॉल्यूम बटन दिए गए हैं, जबकि लेफ्ट साइड आपको सिम ट्रे का ऑप्शन मिल जाता है। अगर इस फोन की डिजाइन की बात करें तो जैसा कंपनी बहुत सारा क्लेम कर रही है कि ये चंद्रयान 3 से इंस्पायर है, तो अगर आप डिज़ाइन देखेंगे तो डिज़ाइन काफ़ी अच्छी है। जब आप इसे हाथ करेंगे तो काफ़ी अच्छा आपको एक्सपीरियंस मिलता है। ऊपर की तरफ वाइट कलर ऑप्शन दिया गया है, नीचे की तरफ ब्लैक कलर ऑप्शन दिया गया है। ये डुअल टोन आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, ये डुअल टोन जो है आपको जो इसके कैमरा लेंस है वहाँ भी देखने को मिल जाएगा। तो कंपनी ने डिज़ाइन के मामले में काफ़ी अच्छा काम किया है, तो ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है डिज़ाइन के मामले में। अब फ़ोन को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि इसकी डिस्प्ले कैसी है, ब्राइटनेस कैसी है। जैसा आप देख सकते हैं फोन ओपन हो चुका है, किनारे की तरफ आपको हल्के बेजल्स मिलेंगे दोनों तरफ, ऊपर की तरफ भी हल्के बेजल्स दिए गए हैं, जबकि नीचे की तरफ मोटे बेजल्स मिलते हैं। ऊपर की तरफ आपको पंच होल कैमरा कटआउट देखने को मिल जाएगा। तो कुछ ऐसे ही है इसकी डिस्प्ले, जैसा आप देख सकते हैं ब्राइटनेस इसकी काफ़ी ठीक ठाक है। जैसा आप देख सकते हैं ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है, शायद दिन के वक्त बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा। अगर इसके यूज़र इंटरफेस की बात करें तो फ़ोन में आपको ढेर सारे प्री इंस्टॉल ऐप्स दिए गए हैं जिसे आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से कंपनी को इतने ज़्यादा ऐप्स देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर यूज़र इंटरफेस की बात करें तो इसका यूज़र इंटरफेस काफ़ी अच्छा है। ये फ़ोन 90Hz के रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ में आता है, ऐसे में जब आप मल्टीटास्किंग करेंगे, कई सारे ऐप्स को एक समय में ओपन करेंगे बंद करेंगे, तो उस दौरान भी कोई खास दिक्कत नहीं होती है। लेकिन हल्का सा इशू आता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा उसे काउंट नहीं कर सकते हैं। फ़ोन में 6.8 इंच की बड़ी डिस्प्ले मिल जाती है। तो कुछ ऐसी है फ़ोन की डिस्प्ले, ठीक ठाक है इस्तेमाल में। जानते हैं आप बजट स्मार्टफोन है तो उस लिहाज से ठीक है। अगर इसके बाकी फ़ीचर्स की बात करें तो जैसा आपको मालूम है ये फ़ोन मीडियाटेक हीलियो G88 चिपसेट के साथ में आता है, साथ ही इसमें एंड्रॉयड 13 सपोर्ट दिया गया है। फ़ोन में 32MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है, जबकि रियर में आपको 50MP डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। फ़ोन में 8GB रैम दी गई है, साथ ही 8GB वर्चुअल रैम दी गई है। तो ये फ़ोन कुल 16GB रैम सपोर्ट के साथ में आता है। इसके अलावा 128GB की स्टोरेज दी गई है, 5000mAh की बड़ी बैटरी मिल जाती है। तो फ़ोन में कुछ फ़ीचर्स दिए गए हैं, ओवरऑल फ़ीचर्स के मामले में फ़ोन अच्छा है, क्योंकि ये एक बजट स्मार्टफोन है जैसा आप जानते हैं। आपका इस फ़ोन के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा है ज़रूर बताएं। तो आपको इस स्मार्टफोन की डिज़ाइन कैसी लगी है, साथ ही क्या आप ये फ़ोन खरीदना चाहेंगे। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी देखने को मिलते रहें।